नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी चीज़ की जहाँ से ये हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी। वो चैनल का पहला वीडियो था, आज ये चौथा वीडियो चैनल का है। और जो ये चीज़ है, ये एडिट्रिक्स S702i7 ब्लूटूथ हेडसेट, जो कि हमने उस टाइम पेटीएम से सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में परचेज़ किया था। उसमें भी 13 रुपीज़ हमें कैशबैक मिले थे। अभी भी मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की। जब ये स्टार्टिंग में आता तब ये 15 मिनट चार्ज होने में लेता था और लगभग 45 मिनट चलता था, लेकिन अब वो परफॉर्मेंस नहीं रही। अब ये चलता है लगभग हाफ एन आवर चल जाता है। और ये इसका जब जैसे आपको पता होगा, अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने आपको बताया था, जो इसके साथ इसका और वो यूएसबी वाला नोकिया वाली पिन वाला चार्जर आया था वो ख़राब निकला था, इसलिए मैंने अपना चार्जर इसमें यूज़ करा था। तो अभी भी ये सही चल रहा है, बिल्कुल अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अब मैं इसके हादसों की गिनती आपको करवाता हूँ। तो ये था इसके साथ पहला हादसा, जिसमें कि ये गिर गया था और इसका यहाँ से जो एरिया है ना, ये यहाँ से निकल गया था। और इसका जो स्पीकर था उस टाइम इसको कुछ नहीं हुआ था, बस ये थी बैटरी वैटरी, देख सकते हैं आप इसके अंदर का क्या सिस्टम था। लेकिन उसका जो पहले, ये दूसरी बार गिरने की तस्वीर है, इससे पहले बार भी गिरा था वो, उसमें वायर नहीं निकली थी इसके स्पीकर की, जो वायर है ना वो निकली थी। अगली बार जब ये गिरा था इसके स्पीकर ही टूट गया था। फिर मैंने दूसरी शॉप से एक जो मोबाइल में छोटे स्पीकर लगे आते हैं वो मैंने स्पीकर इसके अंदर फिट कराया था। हमारी अपनी शॉप है मोबाइल रिपेयरिंग की, तो हमने इसके अंदर फिट कराया। और जो पहले वाली जो साउंड जो स्पीकर था उसमें बेस बहुत कम था, लेकिन जो बाद में लगाया उसमें साउंड क्वालिटी और अच्छी हो गई थी। और तब से अब तक ये वही चल रहा है। और हमने इसमें ठीक कराने के बाद फिर गिरा था ये, तब भी इसकी वायर नहीं निकली थी। फिर हमने इसके बाद फेविक्विक लगाई थी। और एक बार दूसरा हादसा सुन लीजिए। हमने इसे चार्जिंग पे जैसे ही लगाया था, चार्ज होने के बाद जैसे ही इसे खींचा, इसका जो ये एरिया है ये पूरा बाहर आ गया। इसमें एक छोटी सी चिप थी जो ब्लूटूथ के लिए थी, वो बाहर आ गई थी। और ये बटन फिर चल नहीं रहा था। फिर इसे वहीं की वहीं हमने इसे अंदर डाला और उसके बाद फिर फेविक्विक। अब इस अगर इसे कुछ हो गया, अभी ये बच नहीं पाएगा। तब से चल रहा है, अब तक A1 परफॉर्मेंस दे रहा है। बेसिकली 99 देखा था, 13 हमें वो मिला था कैशबैक, तो 89 रुपीज़ का पड़ा था ये, तो इतने में इतना ही मिलता है। हाँ, एक और बात, कई लोगों का इश्यू होता है कि ये मतलब ईयर में सही से फिट होगा, गिरेगा नहीं। वैसे 3-4 बार मुझसे तो गिर चुका है, लेकिन तब भी जैसे आप जैसे स्कूटी साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं साइकिल चला रहे हैं, तो फिट रहेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली आपके कान ईयर में फिट हो जाएगा, आपको हैबिट हो जाएगी इसकी जब आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं अगली वीडियो के साथ आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।